दोस्तों आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कई बार कुर्सी, कार या फिर किसी आदमी को छूने से करंट का एक झटका महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बनी हुई हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। अमूमन ये एटम न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बराबर मात्रा में मौजूदगी। लेकिन जब इनकी संख्या बराबर नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लगते हैं, वहीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थिर बने रहते हैं। यानी जब किसी इंसान या चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वह एक नेगेटिव चार्ज पैदा करने लगता है, और जैसे ही वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज या फिर इंसान के संपर्क में आते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इस तेजी से घूमने की वजह से ही आपको एक हल्का झटका महसूस होता है। इसी तरह मेटल से बने हुए डोरनॉब में पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब आपका हाथ डोरनॉब को छूता है तब इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथों से होते हुए डोरनॉब तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका महसूस होता है। एक और बात, इलेक्ट्रिक चार्ज का सर्दियों में बनने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है और हमारे शरीर पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को काफी हद तक खत्म कर देती है, और यही कारण है कि ऐसे झटके गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक थम्स अप देना मत भूलना।